गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर मौसम। यानी कि आपने सुना होगा कि कोई ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, कोई 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है, मौसम में है। लेकिन अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करना चाहें तो आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है? तो मोशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा, तब हमें पता चल जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब है, देन आप बता सकते हैं कि वो मोशन में कब होगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है ए, या आप कह सकते हैं कि ये आपके पास एक बाइक है, आपने 10 बजे चेक किया, ये ऑब्जेक्ट यहीं पर था, सेम पोजीशन। आपने 10 बज के 10 मिनट पर चेक किया, देन अगेन ये ऑब्जेक्ट अपनी सेम पोजीशन पे था। मान लीजिए थोड़ी टाइम के बाद 10 बज के 30 मिनट्स पर आपने इसको चेक किया, तो भी इसकी पोजीशन क्या थी, सेम थी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में है, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू एग्जांपल क्या हम ऐसा कह सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे कि वो किस में है, रेस्ट में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा आप क्या कहेंगे, इफ एनी ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, do not change their position with time, ऐसे ऑब्जेक्ट को आप कहेंगे वो किस में है, रेस्ट में है। लेकिन आपके पास ये जो डेफिनेशन है ये कंप्लीट नहीं है, यानी कि आप नहीं बता सकते कि कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो आप कंफर्म नहीं कह सकते कि वो किस में है, रेस्ट में है। इसके साथ एक वर्ड और होगा, वो आपके पास क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अभी इस वर्ड का मीनिंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग थोड़ी देर के बाद कर लिया होगा। सिमिलर हम एक एग्जांपल और लेते हैं। एक बार मान लीजिए आपके पास अगेन एक ऑब्जेक्ट है ए, या आप कह सकते हैं कि बाइक है, कार है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है ए। आपने 10 बजे इसकी पोजीशन को चेक किया, तो इसकी पोजीशन थी ए पॉइंट पी पर। आपने 10 बज के 10 मिनट पर चेक किया, तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपके पास थी ए पॉइंट क्यू पर। आपने 10 बज के 30 मिनट पर चेक किया, तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी ये आप कह सकते हैं एट पॉइंट आर। तो आप क्या कहेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है टाइम के साथ अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो आप कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ए जो है उसमें है, मौसम में है। तो अब अगर हम मौसम को डिफाइन करें तो आप क्या कहेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, वो किसमें है, मौसम में। तो आप कहेंगे इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन change their position with time, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि वो किसमें है, मौसम में है। अगेन आपके पास ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, अगेन आपको इसके साथ लगाना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब हम इस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग का मीनिंग समझते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक ट्रेन है, और इसके इनसाइड एक व्यक्ति बैठा है, मान लीजिए उसका नाम ए है, ठीक। एक दूसरा व्यक्ति है, उसका नाम क्या है, बी है, और ये ट्रेन इन दिस डायरेक्शन किसमें है, मौसम में, यानी कि मूव कर रहे हैं। मान लेते हैं 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये मूव कर रही है, ठीक है। तो इसके आउटसाइड क्या होंगे, आप ऐसा मान सकते हैं कि इसके आउटसाइड आपके पास क्या होंगे, पेड़ होंगे या अदर ऑब्जेक्ट जो भी इसके आउटसाइड है। अब हम अगर आपसे पूछें कि ये एक ऑब्जेक्ट ए जो है, ये ऑब्जेक्ट ए जो है ये रेस्ट में है
या मोशन में है। ये ऑब्जेक्ट ए जो है ये रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। तो आप देखो डेफिनेशन पे जाएंगे, इफ एनी ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विद टाइम, तो आप उसको क्या कहेंगे, रेस्ट में। तो देखो हम ऑब्जेक्ट ए की बात करते हैं, ये ऑब्जेक्ट ए बी के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो आप क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ए किसमें है, रेस्ट में है। लेकिन सेम टाइम ये जो ऑब्जेक्ट ए है इस ट्रेन के आउटसाइड ये जो पेड़ है इनके विद रिस्पेक्ट ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ए किसमें है, मोशन में है। यानी कि आपको एक बात समझ आए, जब तक हम सराउंडिंग को चेक नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बता सकते वो रेस्ट में है या मोशन में है। तो ये लगाना बहुत जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब हम बात करते हैं सिंपल एग्जांपल की। मान लीजिए हम आपसे कहें ये ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड रेस्ट में है या मोशन में। अगर आप कहोगे रेस्ट में, अगर आप कहेंगे मोशन में, मान लीजिए आप कह रहे हैं रेस्ट में, ठीक है। तो हम दूसरा एग्जांपल देते हैं, आपकी अर्थ जो है मूव कर रही है, ठीक है। तो अर्थ के विद रिस्पेक्ट तो ये ब्लैक बोर्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट किसमें होगा, मोशन में होगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो मैं आपसे ऐसा कह दूंगा कि ये ब्लैक बोर्ड जो है, मान लीजिए ऊपर ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये चौक है, ये स्टेशनरी है, मैं कहूंगा इस चौक के विद रिस्पेक्ट ये ब्लैक बोर्ड तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो मैं आपसे कह दूंगा कि ये किसमें है, रेस्ट में। तो इस एग्जांपल से आपको एक बात समझ आई होगी, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए है, मैं कहूँ बताओ ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में, तो आपको एक बात समझ आई होगी जितना भी आपसे बताया है कि सबसे पहले आप क्या पूछेंगे कि आप हमें ये बताओ किसके विद रिस्पेक्ट बताना है, ये रेस्ट में है या मोशन में है। अब अगर हम इसी ऑब्जेक्ट की बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ये किसमें है, मोशन में है। कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले, मान लीजिए विद रिस्पेक्ट टू ब्लैक बोर्ड बताओ ये किसमें है, तो ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, किसमें है, रेस्ट में है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन या मोशन की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, सराउंडिंग की। कि आप क्या पूछेंगे कि किसके विद रिस्पेक्ट बताना है, मोशन में है या रेस्ट में है, ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा ट्रेन वाला ही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक ट्रेन है, इसके इनसाइड ये एक ऑब्जेक्ट ए रखा है, ये ऑब्जेक्ट ए बी रखा है, और ट्रेन जो है इन दिस डायरेक्शन 20 मीटर पर सेकंड से क्या कर रही है, जी मूव कर रही है, ठीक है। अब बताओ ये ऑब्जेक्ट ए, ये इसके आउटसाइड ऑब्जेक्ट है, ये इसके क्या है, आउटसाइड ऑब्जेक्ट। अब बताओ ये ऑब्जेक्ट ए रेस्ट में है या मोशन में, आपको क्या पूछना पड़ेगा कि किसके विद रिस्पेक्ट। अगर मैं कहूं बी के विद रिस्पेक्ट बताओ, तो आप क्या कहेंगे, देखो ट्रेन तो मूव कर रही है लेकिन ए की और बी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो आप क्या कहेंगे, ए इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी, ए किसमें है, रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू बी, ए रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू बी। लेकिन ये जितने भी आउटसाइड ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि ट्रेन के आउटसाइड जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उनके विद रिस्पेक्ट ए किसमें है, मोशन में है, एक इसमें है मोशन में विद रिस्पेक्ट टू आउटर ऑब्जेक्ट, आउटर ऑब्जेक्ट। यानी कि ए ट्रेन के इनसाइड जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनके विद रिस्पेक्ट किसमें रहेगा, रेस्ट में रहेगा, और आउटसाइड जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनके विद रिस्पेक्ट किसमें रहेगा, मोशन में। क्योंकि ट्रेन तो मूव कर रही है लेकिन इस ऑब्जेक्ट की ट्रेन के इनसाइड जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके विद रिस्पेक्ट इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो अब आप बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा।
ये जरूरी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ पोजीशन चेंज ना करे तो वो रेस्ट में होगा, और टाइम के साथ पोजीशन चेंज करे तो वो मोशन में होगा। आपको क्या लेना पड़ेगा, उसके सराउंडिंग के बेस पे आप बता सकते हैं कि वो किस में है, रेस्ट में या मोशन में। ठीक है, अब बता सकते हैं आप कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक, अब आप मोशन के बारे में समझ, यानी किसी ऑब्जेक्ट में पोजीशन को चेंज करना स्टार्ट किया। मोशन का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट ने पोजीशन को चेंज करना स्टार्ट किया। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां पर था, थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो आप हमें बताइए पोजीशन चेंज की तो इसने क्या किया, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, कुछ ना कुछ क्या ट्रेवल की, डिस्टेंस ट्रेवल। और डिस्टेंस ट्रेवल के साथ साथ क्या हुआ, ये अपनी पोजीशन से क्या हुआ, डिस्प्लेस, पोजीशन से क्या हुआ, डिस्प्लेस, पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। देखो पहले इसकी पोजीशन ये थी, थोड़े टाइम के बाद इसकी पोजीशन ये है, ये अपनी पोजीशन से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और यहां से यहां तक आने में इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, उसी को हमने क्या नाम दिया, डिस्टेंस दिया। ठीक है, अभी हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, उससे पहले हम जान लेते हैं एक आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है, एक आपके पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, एक आपके पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब ये स्केलर और वेक्टर क्या, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनका केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड हो, जिनका केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनका मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो, प्लस डायरेक्शन। अभी हम एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए और आपने जाके कहा कि मुझे चीनी चाहिए, तो आप जाके क्या कहेंगे, 1 केजी चीनी दो, या 2 केजी, या 3 केजी, या 4 केजी, ऐसा ही तो आप कहेंगे। ठीक है, तो क्या आपको इस 1 केजी में, 2 केजी में, 3 केजी में, या 4 केजी में कहीं भी आपको डायरेक्शन की आवश्यकता है या नहीं, कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं। लेकिन ऐसे ही हम वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल लेते हैं, फोर्स जो है वो आपके पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। देखो कैसे, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा इस ऑब्जेक्ट पर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का। ठीक है, अब देखो इस 10 न्यूटन के फोर्स को लगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हो सकता है आपने इस बॉक्स पे ये 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाया, हो सकता है इस बॉक्स पर 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाया, हो सकता है 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाया हो, हो सकता है 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाया हो, यानी कि इनफिनिटी आपके पास क्या हो सकती है, पोजीशन हो सकती है ये फोर्स लगाने की। तो इसके साथ आपको क्या बताना पड़ेगा कि आपने 10 न्यूटन का फोर्स जो लगाया वो टुवर्ड्स नॉर्थ लगाया, साउथ लगाया, ईस्ट में लगाया, या वेस्ट में लगाया, या आपने नॉर्थ ईस्ट में लगाया, या आपने साउथ ईस्ट में लगाया, या नॉर्थ वेस्ट में लगाया, या साउथ वेस्ट में लगाया। यानी कि देखो जैसे आप शॉप पे गए, आपने चीनी ली 1 केजी, तो उसके साथ डायरेक्शन की आवश्यकता है ही नहीं, उसने 1 केजी आपको दे दिया। लेकिन फोर्स वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, उसके साथ आपको आवश्यकता होगी डायरेक्शन बताने की कि आपने किस डायरेक्शन में क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। सिमिलर तो स्केलर क्वांटिटी आपके पास क्या होंगी, जिनका केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होंगी, ऐसी क्वांटिटी जिनके मैग्नीट्यूड के साथ उनकी डायरेक्शन को बताना जरूरी हो। अच्छा, आप समझ रहे होंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी। इसके बाद याद रखें, ऐसी क्वांटिटी जिसकी केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाए, और ऐसी क्वांटिटी जिसके केवल मैग्नीट्यूड से काम ना चले, साथ में डायरेक्शन बताने की आवश्यकता हो, उनको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अभी हमने आपसे कहा था ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, मोशन में आएगा तो क्या करेगा,
डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो साथ के साथ अपनी पोजीशन से क्या होगा डिस्प्लेस होगा। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं, एक बार हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। डिस्टेंस आपके पास होगी एक्चुअल लेंथ, डिस्टेंस क्या होती है एक्चुअल लेंथ। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके पास क्या होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, shortest distance between initial and final point, between initial and final point, initial point और final point के बीच की जो shortest distance होगी उसको बोलते हैं displacement, और जो path की actual length होती है उसको हम क्या बोलते हैं distance। इसको हम example के through जानते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक object है P, इसने पॉइंट A से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, और ये 4 किलोमीटर चला, कितना चला 4 किलोमीटर। चल हम इसको 4 की बजाय कर लेते हैं तो 4 सही है, कितना चला 4 किलोमीटर, और कहां पहुंच गया पॉइंट B पर। 4 किलोमीटर चलने के बाद ये ऑब्जेक्ट P कहां पहुंचा पॉइंट B पर। अब हम कह रहे हैं इस ऑब्जेक्ट ने 6 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की और कहां पर पहुंच गया पॉइंट सी पर। अब अगर हम आपसे पूछें कि इस कंप्लीट जर्नी में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और वो अपनी पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ या उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो क्या बता सकते हैं। देखो डिस्टेंस क्या होती है एक्चुअल लेंथ, या बोल सकते हैं एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल लेंथ या एक्चुअल पाथ लेंथ। देखो उस ऑब्जेक्ट ने यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से पॉइंट बी से कहां पहुंचा पॉइंट सी, तो 4 किलोमीटर तो ये ट्रेवल की और 6 किलोमीटर ये, यही तो है एक्चुअल पाथ लेंथ, यानी कि जो पाथ उसने फॉलो किया है उस पाथ की लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं एक्चुअल पाथ लेंथ, या आप कहेंगे क्या डिस्टेंस। तो यहां पर आपके पास डिस्टेंस कितनी होगी 4+6 यानी कि 10 किलोमीटर। अब अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये आपके पास देखो उसने यहां से चलना स्टार्ट किया तो ये उसका क्या है इनिशियल पॉइंट, यहां से चलना स्टार्ट किया तो ये उसका क्या हुआ इनिशियल पॉइंट, और लास्ट में उसने यहां पर फिनिश कर दिया तो ये इसका क्या हो गया फाइनल पॉइंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, shortest distance between initial point and final point, यानी initial point और final point के बीच की सबसे कम दूरी को ही हम क्या बोलते हैं displacement। तो सबसे कम दूरी या सबसे कम distance को आप कैसे set करेंगे, आप direct initial point को final point से मिला दीजिएगा, वही आपकी क्या होगी shortest distance between initial point and final point। अब आप इसे निकाल सकते, यहां के पास एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है तो ये क्या होगी 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास होगा 16+36 उसका रूट, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली जो भी होगा 6621√52, ठीक है। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो आई वो आपके पास कितनी है √52। अब देखो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं, कैसे डिस्टेंस निकालते हैं कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अब डिस्टेंस की अगर हम यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस की जो आपके पास एसआई यूनिट होगी वो आपके पास क्या होती है मीटर, एसआई यूनिट क्या होगी मीटर, जिसे हम इससे डिनोट करते हैं एम से, इससे डिनोट करते हैं एम से डिनोट करते हैं। Similarly, अगर हम displacement की बात करें, तो इसकी भी ऐसा ही unit आपके पास क्या होगी? इसकी भी ऐसा ही unit क्या होगी? Meter, जिसे हम किससे denote करेंगे? M से denote करेंगे। और बात करते हैं distance और displacement। देखो आपके पास क्या? Distance जो है वो आपके पास scalar quantity। Distance क्या है? Scalar quantity। जबकि displacement एक क्या है वेक्टर क्वांटिटी है।
डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे देखो, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम पॉइंट ए से कहां पहुंच रहे थे, पॉइंट सी पर। और अगर हम डायरेक्ट कहें कि डिस्प्लेसमेंट जो है रूट 52 है, तो इस पॉइंट से रूट 52 डिस्प्लेसमेंट ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप रूट 52 डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। लेकिन अगर पॉइंट सी पर आना है, अगर पॉइंट सी पर आना है तो आपको ये डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। ये डायरेक्शन क्या होगा आपको बतानी पड़ेगी। अब ये डायरेक्शन आप कैसे बताएंगे, देखो आप इनिशियल पॉइंट पर क्या करें, अपना डायरेक्शन वाला डायग्राम बनाएं। इनिशियल पॉइंट पर क्या करें, डायरेक्शन वाला डायग्राम बनाएं। ये है इनिशियल पॉइंट, हम मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और आप पहुंच रहे हैं यहां पॉइंट सी पर, ऐसा ही तो है। तो इनिशियल पॉइंट पर आप डायरेक्शन वाला डायग्राम बनाएं, तो यहां पर आप बनाएंगे तो ये आपके पास क्या होगा नॉर्थ, ये आपके पास क्या होगा साउथ, और ये आपके पास क्या होगा ईस्ट, और ये आपके पास क्या होगा वेस्ट, ठीक है। तो अब ये डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ ईस्ट, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है रूट 52 इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगर ऐसा आप बताएंगे तो आप सही पॉइंट सी पर पहुंचेंगे। और अगर आप कहेंगे रूट 52 है डिस्प्लेसमेंट, तो रूट 52 तो डिस्प्लेसमेंट इधर भी हो सकता है, 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 ठीक है। तो आप समझ गए जो डिस्टेंस क्लियर है, जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। अब हम और बातें करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हम आपसे कह रहे हैं डिस्टेंस जो है Never be zero. अगर किसी ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया है तो उसके डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके पास जीरो हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास जीरो हो सकती है। ऐसा भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, आपका एक पॉइंट बी, पॉइंट बी से आप गए पॉइंट सी, पॉइंट सी से मान लीजिए आप पहुंच गए पॉइंट डी, और पॉइंट डी से आप कहां आ गए वापस पॉइंट ए पर। ये भी 4 किलोमीटर है, ये भी 4 किलोमीटर है, ये भी 4 किलोमीटर है, ये भी 4 किलोमीटर है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में आपसे पूछें कि डिस्टेंस क्या होगी तो आप क्या कहेंगे, देखो एक्चुअल पाथ लेंथ क्या है, जो पाथ आपने फॉलो किया ये वही तो पाथ है, इसकी लेंथ क्या होगी 4 + 4 + 4 + 4, यानी कि आप कह रहे हैं कि डिस्टेंस जो है वो आपके पास कितनी है जी 16 किलोमीटर। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, क्या निकालें डिस्प्लेसमेंट, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो आपने डिनोट किया कि ये आपके पास क्या है, यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया इनिशियल पॉइंट और लास्ट में आप कहाँ पहुंच गए, यहीं पर पहुंच गए, तो ये आपका क्या है फाइनल पॉइंट। आप बताएं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास जीरो हो सकती है। लेकिन कंडीशन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो तब होगी जब आपके पास इनिशियल पॉइंट, जब आपके पास इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो आर सेम, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, उस कंडीशन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो होगी जीरो। आगे बढ़ो, आपसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या कभी डिस्प्लेसमेंट जो है वो ग्रेटर हो सकती है डिस्टेंस से,
यानी कि एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन हो सकती है डिस्टेंस से, एक तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होंगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होंगी। तो सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं। देखो अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में चलेंगे उस कंडीशन में ये आपका इनिशियल पॉइंट, ये आपका क्या है फाइनल पॉइंट। जब आप एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे उस कंडीशन में जितनी आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उतनी ही आपकी क्या हो रही है डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होंगे, आप कहेंगे इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन, इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन, इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन। जब आपके पास मोशन एक स्ट्रेट लाइन हो देन आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगी सेम। दूसरा, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी ग्रेटर देन डिस्टेंस हो सकती है, ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? जब आप एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती। अभी हम 5-4 क्वेश्चन करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर, वहां पर हम डिस्टेंस निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, आप बार-बार रिजल्ट को देखेंगे कि डिस्टेंस हमेशा क्या होगी ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे कब इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन। अभी तक जो बताया है वो आपको आ गया होगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा। अगर ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया है तो क्या ट्रेवल करेगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होगी एक्चुअल पाथ लेंथ, यूनिट की बात करें तो मीटर, और आपने समझा कि ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती। दूसरा, एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये क्या होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, और इसकी भी ऐसा ही यूनिट आपके पास मीटर होगी, और ये कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा, क्या कभी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, बिल्कुल जीरो हो सकती है जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो सेम हो। अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंपैरिजन करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होते हैं जब आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन हो। दूसरा, अगर हम कहें क्या कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो सकती है तो ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल ये इक्वल हो सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में। उसके अलावा कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो।